तो फाइनली आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए अप्रैल 2022 की। 2022 का जो ये अप्रैल का महीना है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं गोचर में, क्योंकि तीन जो बड़े ग्रह हैं मेनली, एक तो शनि है इसमें, एक इसमें राहु है और गुरु भी है। तो ये अपनी राशियाँ परिवर्तन करने वाले हैं। और शनि तो हालांकि बाद में महीने के एंड में यहाँ से चेंज होंगे, लेकिन मेन जो परिवर्तन है वो आपके लिए राहु और गुरु का रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक महीना आप लोगों के लिए 2022 का ये कहा जा सकता है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो 10 या 11 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी आधा महीना लगभग वैसा ही जाएगा आपका जैसा मार्च के एंड का समय आपका रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप आने वाले समय के लिए हमेशा डिसीजन लेते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। वो प्लानिंग आपकी किस प्रकार से होनी चाहिए, और यहाँ पर आप राशि और लग्न दोनों से ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके राशि और लग्न स्थान दोनों के स्वामी बनते हैं, मंगल के गोचर को अगर हम देखें तो 7 अप्रैल से वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर ये आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो 7 अप्रैल तक की जो स्थिति है उसमें मंगल उच्च के होकर आपके 10th हाउस में रहने वाले हैं। तो 7 तारीख तक का जो समय है आपको अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। इसके अलावा अपने काम को सही तरीके से करना है और आपको अपने आप को कंट्रोल भी करना है। लेकिन 7 के बाद जैसे ही मंगल आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपको लाभ में वृद्धि करने वाले हैं। साथ में आपके कुछ मित्रों के साथ हालांकि अभी भी मनमुटाव रह सकता है, लेकिन मंगल का लाभ स्थान में आना कहीं ना कहीं आपके धन को बढ़ाएगा, आपकी लाभ प्राप्ति की जो इच्छा है उसको बढ़ाएगा। और आप यहाँ पर ज़्यादा जो फोकस देंगे किसी भी काम पर, उसमें आपको फायदा है या नहीं, इस हिसाब से आप सोचने लगेंगे हर काम के लिए। तो यहाँ पर देखिए शुक्र भी हैं, और शुक्र का जो गोचर है, देखिए कुंभ में शुक्र रहने वाले हैं, ऐसे में जो धन की जो भरमार है इस महीने में आप मेष राशि और लगन वालों को देखने को मिल सकती है। अगर कहीं पर पैसा अटका हुआ है या कहीं पर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, कुछ भी आप ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, आपके लाभ की प्राप्ति हो, तो वो सभी काम आप इस महीने में आसानी से कर पाएंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा ये दोनों ही ग्रह जो दृष्टि डालेंगे वो आपके पंचम भाव पर भी डालेंगे। तो पंचम भाव के जितने भी कार्य हैं, भले ही आपको आपकी संतान से भी लाभ होगा, भले ही आप अगर इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर स्टॉक मार्केट वगैरह में, लॉटरी वगैरह में, उससे भी आपको फायदा होने की उम्मीद रहेगी। तो ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, और ये आपके धन या लाभ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाली स्थिति हम कह सकते हैं। इसके साथ ही देखिए शुक्र का यहाँ पर जो गोचर है, शुक्र की हम आगे बात करने वाले हैं। तो शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा एक तालमेल देगा, अपने भाई बहनों के साथ तो देगा ही देगा, इसके अलावा आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं उनके साथ भी यहाँ पर देगा। तो अगर मंगल की बात करें, देखिए मंगल अष्टम का भी स्वामी है, तो मंगल अष्टम का स्वामी होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या अचानक आपको धन मिलना, अचानक आपको लाभ प्राप्त होना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के गोचर को अगर हम देखेंगे तो शुक्र का गोचर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 27 अप्रैल तक शुक्र हैं वो लाभ स्थान में रहेंगे, तो आपको लाभ देते रहेंगे ये। इसके अलावा इस दौरान अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो आपको कन्या संतति होने की संभावना भी रहेगी, और आपके अपनी संतान के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपका जो विशेषकर पुरुष लोग हैं उनका अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी स्त्रियों से आपकी बात होती है उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले। इसके अलावा अगर मैरिड लाइफ को लेकर देखा जाए तो शुक्र आपका सप्तमेश भी है, ऐसे में आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी अच्छा सहयोग मिल सकता है। हालांकि आपका जो सप्तम भाव है वो इस महीने में पीड़ित हो जाएगा केतु के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको मैरिड लाइफ का इश्यू जरूर आ सकता है, लेकिन शुक्र की जो स्थिति है, जो सप्तमेश की जो स्थिति है, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो शुक्र की जो स्थिति है इसकी वजह से आपको आपका जो पार्टनर है वो धन की वृद्धि में, लाभ की प्राप्ति में मदद कर सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस हो उसमें फ़ायदा हो सकता है, यानी आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी कुछ ना कुछ मदद चाहिए या उनके द्वारा कोई आपको फ़ायदा चाहिए वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आपकी जो संतान है उसकी जो चिंता है वो सबसे ज़्यादा आपके लाइफ पार्टनर को ही रहने वाली है। अब यहाँ पर
अगर हम बात करें शुक्र की स्थिति की, तो क्योंकि शुक्र मंगल के साथ जाने वाले हैं और इधर आपके सप्तम भाव में केतु आने वाले, ऐसी कंडीशन में लाइफ पार्टनर के साथ कई बार मनमुटाव भी देखने को आपका मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे बुध की। बुध का गोचर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 अप्रैल को मेष में ये प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 25 अप्रैल को वृषभ में जाएंगे। तो 8 अप्रैल को जो मेष में इनके आने का जो रहेगा, बुध का यहाँ पर आना आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा टैलेंट देगा और ये वाक्पटुता दिखाएगा, यानी वाक्पटुता की जो स्थिति है वो आप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जो डिसीजन लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे, बहुत तेज़ी से और लॉजिकल बात आप बोलेंगे। साथ में यहाँ पर क्योंकि राहु भी रहने वाले हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब जिनकी चंद्र राशि मेष बनती है उनको थोड़ी डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है, वो क्योंकि यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है वो राहु के द्वारा पीड़ित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बुध के होने की वजह से काफ़ी अच्छी स्थिति फिर भी देखने को मिल सकती है। तो अपने मन पर आपको कंट्रोल जरूर रखना होगा मेष राशि वालों को। अगर आप मन पर कंट्रोल रखते हैं तो बुध और राहु की जो युति है वो आपको सब कामों में सफलता देगी। इसके अलावा आप हर व्यक्ति के साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे, बहुत ही अच्छी आपकी वाणी होगी और आपकी जो वाणी है उसका प्रभाव जो पड़ेगा उसकी वजह से आपको काफ़ी लाभ भी होगा। अब बुध की ये जो स्थिति है, बुध क्योंकि तृतीय से है और वो सिक्स हाउस का भी स्वामी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कोई अचानक यात्रा हो उसके लिए भी देखना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई ना कोई जो समस्या है त्वचा को लेकर, या फिर आपको त्वचा से जुड़ी हुई कोई अन्य समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जब तक यहाँ पर बुध राहु के साथ रहने वाले तब तक अपनी जो बातें हैं उनको आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर ना बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जिनका लग्न है उनके लिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नहीं रहेंगे, ऐसे में आपके लिए चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। इसके बाद देखिए हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा का जो गोचर है इस महीने की शुरुआत में वो मीन राशि में रहने वाले हैं, तो मीन राशि का स्टार्टिंग में चंद्रमा रहेगा, थोड़ा बहुत आपके ऊपर मानसिक बर्डन रहेगा, थोड़ी बहुत समस्या आपको जरूर रहेगी। आध्यात्मिक जो काम है उनमें रुचि इस महीने की स्टार्टिंग में आपकी ज़्यादा रहेगी। साथ में कुछ डरावने सपने आना जैसी स्थिति बन सकती है और सूर्य और गुरु के साथ ही ये चंद्रमा रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो उतना भी कमज़ोर नहीं होगा अगर आपका यहाँ पर चंद्र राशि वाला जो चंद्रमा है वो पीड़ित नहीं है, या आपके कुंडली में आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं है। इसके बाद देखिए चंद्रमा यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्योंकि राहु गोचर करने लगेंगे, लेकिन राहु यहाँ पर बाद में गोचर करेंगे और चंद्रमा यहाँ पर पहले ही आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब जिनकी चंद्र राशि बनती है उनके लिए यहाँ पर अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर राशि बनती है मेष राशि है तो कहीं ना कहीं दोनों जो चंद्रमा है गोचर का और जो राशि स्थान वाला चंद्रमा एक जगह हो जाएंगे, ऐसे में आपको कल्पना शक्ति का आभास ज़्यादा होने लगेगा और आप बहुत, जैसे हम कह सकते हैं, सपनों की दुनिया में खो जाना, कल्पना की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, तो आप सपने देखेंगे और वो बड़े बड़े सपने हो सकते हैं किसी भी प्रकार के। उसके बाद चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तो वो धन की वृद्धि करेंगे और यहाँ पर भी देखिए चंद्रमा पीड़ित नहीं होंगे, तो आगे से आगे ये आपको लाभ भी देते जाएंगे और विशेषकर जब ये कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा चंद्रमा के इस गोचर का होगा। अब देखिए चंद्रमा का गोचर क्योंकि 2-2.5 दिन या 3 दिन का होता है, इस समय इसका जो प्रभाव है वो आपके लिए थोड़ा ही रहेगा। तो अब बात करते हैं सूर्य की स्थिति की। देखिए सूर्य की स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 14 अप्रैल तक वो मेन में रहने वाले हैं। ऐसे में आपकी संतान का कोई फॉरेन से संबंध जुड़े, आपका अपनी संतान के लिए कोई खर्चा हो, आपकी खुद की एजुकेशन के लिए आपका कोई खर्चा हो, या आप खुद फॉरेन से जुड़े हुए अपनी एजुकेशन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, या फिर आप अगर सरकार से जुड़े हुए सरकारी कार्यों में हैं तो आप किसी भी प्रकार का इलीगल कार्य ना करें। सूर्य का ये गोचर यहाँ पर गुरु के साथ भी है तो गुरु भी यहाँ पर रहने वाले, ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं देखिए आपको थोड़ा सा जो यहाँ पर, क्योंकि 13 अप्रैल को मेन में आ जाएंगे तो हालांकि 2 दिन का ही साथ होगा इनका, पर फिर भी थोड़ा सा जो प्रभाव है वो गुरु का सूर्य पर जरूर रहेगा। ऐसे में आप
अपने जो भी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ आपको नुकसान ना हो जाए। आप अगर शेयर मार्केट वगैरह से पैसे कमाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से लॉटरी वगैरह से कुछ अर्निंग करना चाहते तो वहाँ पर भी आपको स्थिति को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा डिपेंड करता है सूर्य आपके चार्ट में किस प्रकार की स्थिति में है। साथ ही देखिए जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको कोई ना कोई समस्या आ सकती है, थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद सूर्य यहाँ से चेंज हो जाएंगे और 14 अप्रैल के बाद वो मेष राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ ये राहु के साथ युति करने वाले हैं और यहाँ पर जो इनकी युति है वो बुध के साथ भी होगी और जिनकी चंद्र राशि मेष है उनके लिए चंद्रमा के साथ भी युति हो जाएगी। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, साथ साथ में आपके व्यक्तित्व के लिए भी थोड़ी सी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। हालांकि आपका जो मन है वो काफ़ी डिस्टर्ब जरूर रहेगा, बट फिर भी सूर्य और राहु का आपके लगन से गोचर करना ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ईगो हर्ट होने वाली जो स्थिति आपकी वो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा शत्रुता है। इस वजह से आपको थोड़ा अपने आप को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। साथ में देखिए मैरिड लाइफ तो वैसे भी आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रह सकती है अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो। हालांकि इस महीने में शुक्र का गोचरीय जो स्थिति है वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बट फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सूर्य आ रहे हैं और इधर राहु गोचर कर रहे हैं और बुध भी यहाँ पर आने वाले, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनरशिप है किसी के साथ, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपको प्रयास जारी रखने होंगे। इसके बाद हम देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरु के बारे में। गुरु का गोचर आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देगा और वो आने वाले लगभग एक साल के लिए हम कह सकते हैं चेंज हो जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि वाले जो प्रभाव है वो आपको अभी देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि देखिए गुरु का जो भ्रमण था वो काफ़ी फास्ट था इस समय, और अब जब गुरु मीन में जाएंगे तो यहाँ पर हम मीन राशि के ही रिजल्ट्स की बात करने वाले। अब ये जो गुरु हैं देखिए कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिकता देंगे, आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा स्थिति अच्छी भी रह सकती है अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर गुरु खुद की राशि में है इसलिए यहाँ पर आपका सूर्य उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना वो करते हैं। अब बात हम गुरु की कर रहे हैं तो देखिए आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं बाहर, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे आध्यात्मिक भ्रमण के लिए जा सकते हैं, और ये पूरा जो साल है लगभग एक साल इसमें आपकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों में और दान दक्षिणा वाले जो कार्य हैं, कोई लंबी तीर्थ यात्रा करने, उन कार्यों में बहुत ज़्यादा रहने वाले। साथ में आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी अच्छी होगी गुरु के इस गोचर के दौरान, तो ये एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। साथ ही जो धार्मिक क्षेत्र में जो लोग कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, उनको एक अच्छी स्थिति गुरु की यहाँ पर बन रही है। साथ में देखिए गुरु अपनी यहाँ पर उच्च की राशि को देखेंगे, तो उच्च की राशि को देखने की वजह से माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्चा या घर को लेकर कुछ खर्चा, या फिर अगर आपका कोई ऐसी स्थिति आपकी महादशा दशा की बन रही है जिससे आपको फॉरेन जाने का योग अगर बने तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। साथ में देखिए यहाँ पर जो गुरु है वो क्योंकि खुद की ही राशि में रहने वाले हैं इसलिए जिनका भी फोर्थ हाउस में गुरु होगा और गुरु की अगर महादशा चल रही हो आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं फॉरेन का कुछ चांसेस बनाएगा, या फिर अगर लगन में आपके गुरु बैठे हैं और राहु भी मान लीजिए बैठे हैं तो भी आपको चांसेस बन सकते हैं। साथ में ये स्थिति वैसे इतनी ख़राब नहीं रहेगी, बट आपको धन के मामले में भी थोड़ा देखना पड़ेगा और परिवार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी सेहत ख़राब ना हो उसके लिए भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ये गुरु की जो स्थिति है इसके रिजल्ट आपके लिए रहने वाले, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो स्थिति है धन को लेकर वो यहाँ पर आपको खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे गुरु के इस गोचर में। इसके बाद हम ये कह सकते हैं क्योंकि गुरु जो अष्टम भाव को यहाँ से देखेंगे, तो अष्टम भाव को देखने की वजह से आपको इंट्यूशन पावर और आपको अष्टम भाव के जो भी कार्य हैं उनमें रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाले हैं। इसके बाद शनि की बात करेंगे। देखिए शनि आपके इस जो महीना है अप्रैल का महीना, इसमें हालांकि मकर में रहेंगे और वो 29 अप्रैल को चेंज होने वाले हैं, तो 29 अप्रैल हालांकि मंथ के एंड में चेंज हो रहे हैं, बट फिर भी जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं लगा उनकी जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस अब बनेंगे, और विशेषकर जो कुंभ का शनि होगा वो आपको ज़्यादा फायदा देगा
मकर वाले शनि की तुलना में। तो शनि का जो गोचर होगा, अब तो आप काफ़ी ज़्यादा झेल चुके हैं शनि को, शनि का मकर का गोचर आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ एक तरह से, और बहुत ज़्यादा आपको मेहनती जो बनाया होगा शनि ने, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसी स्थिति भी बनी होगी। बट जो कुंभ का शनि है उससे आप काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे और ख़राब दिनों की बात भी करते हैं, लेकिन राहु और केतु की भी बात करेंगे। देखिए राहु का जो गोचर है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, आपका सेवंथ हाउस भी डैमेज है, तो थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो राहु का जो गोचर होता है मेष राशि और वृश्चिक राशि में इतना अच्छा होता नहीं है, नेचुरली आप देखेंगे अगर आप विशेष रूप से अगर एस्ट्रोलॉजी जानते पहले से ही, तो आपको ये पता ही होगा कि राहु जो मंगल के साथ जिस प्रकार के इनके संबंध हैं तो काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति बन सकती है। इसलिए अपने आप को कंट्रोल आप लोगों को जरूर करना चाहिए, और क्योंकि आपकी राशि और लग्न आपका मंगल का है, ऐसे में आप वैसे भी काफ़ी तेज़ी से काम करने वाले, बहुत फास्ट आप काम करने वाले लोग हैं, तो अपनी जो तेज़ी है, जो मन की जो तेज़ी है, जो गुस्सा है, उस पर कंट्रोल जरूर रखना होगा राहु के इस गोचर में। साथ में अपने विचारों पर भी आपको कंट्रोल जरूर करना ही चाहिए। अब जिनका राहु मान लीजिए 12वें भाव में कुंडली में बैठा हो, या राहु की अगर फिर दशा भी चल रही हो, तो आपको बाहर जाने का, फॉरेन जाने के चांसेस मिलेंगे। अब मेष राशि और लगन वालों को, दोनों को ही राहु ऐसे चांसेस बनाएगा, आपका फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर देगा। साथ में आपको जो सिर दर्द की समस्या है अगले 18 महीने तक वो थोड़ी बनी रह सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और केतु जो कि सेवंथ हाउस में गोचर करेंगे, तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट फील होगी, और अपने मैरिड लाइफ के जो पार्टनर हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट जैसी स्थिति जो आपको फील हो सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल तो आपकी जो कुंडली है उस पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ अच्छे और ख़राब दिनों की बात आप लोगों के लिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अच्छे दिन कौन कौन से रहने वाले आप लोगों के लिए। तो अच्छे दिनों की बात की जाए 4, 5, 6, 9, 10, 11 अप्रैल, उसके बाद 20, 21 और 22 अप्रैल, ये दिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं इस महीने में। इसके अलावा कुछ अगर ख़राब दिनों की बात अगर हम करें, कुछ परेशानी वाले दिन जो आपके लिए रहने वाले हैं, तो चंद्रमा जब आपके सिक्स हाउस में ट्रांजिट करेंगे 14 और 15 तारीख को, इस दौरान धन का लेन देन सोच समझ कर करें, आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है। साथ में कुछ लोग आपके पीछे से षड्यंत्र रच सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा 14 और 15 को, और अपना जो रूटीन है उसको आप ठीक प्रकार से रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब चंद्रमा स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करने लगेंगे 18 और 19 तारीख को, तो ये स्थिति भी थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर जो मानसिक रूप से आपकी स्थिति वो अच्छी नहीं होगी, और किसी काम का बहुत ज़्यादा बोझ आपके ऊपर आ सकता है, आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाली ये स्थिति बनेगी। चंद्रमा जब मेन राशि में जाएंगे 27 और 28 को, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इस दौरान जो चंद्र राशि वाले हैं, यानी जिनकी चंद्र राशि मेष है, वो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। समय पर नींद नहीं आना, समय पर कोई काम पूरा नहीं करना, कुछ कामों में डिसीजन आपके गलत हो जाना, ऐसी कंडीशन 27 और 28 को बनेगी, तो इनका आपको ध्यान अवश्य रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।